देखिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप लेना है और शेप लेते हैं तो पूरा पेज में शेप लेना है। देखिए पूरा पेज में क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड देना है। कार्ड यदि बना रहे हैं और इसका बैकग्राउंड देना है तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, पहले शेप ले लेते हैं। शेप को कहाँ तक लेंगे, जब पूरा पेज भर जाएगा तब, तो उसी के शेप के अंदर ही डिजाइनिंग आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शेप ले लिए हैं, फर्स्ट शेप लिए हैं और इसमें हमको देखिएगा फॉर्मेट आ गया है और यहाँ पे डिजाइनिंग बना हुआ है, डिजाइनिंग बना हुआ है। तो बना हुआ डिजाइनिंग पे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको जो भी आपको कलर अच्छा लगे उसको ले लेंगे। तो देखिएगा इसमें थोड़ा बॉर्डर भी आ गया है, मोटा करके बॉर्डर भी आ गया। अब दूसरा शेप को इंसर्ट करना है और दूसरा शेप इंसर्ट करेंगे तो उससे थोड़ा अलग ले लेंगे। ये कोना वाला शेप है, इसमें बिना कोना वाला है, तो थोड़ा बॉर्डर लेने के लिए इस इतना हटा के फिर इतना शेप ले लेंगे। शेप लेंगे तो देखिएगा इस तरह का आपका बैकग्राउंड बन गया, बना कि नहीं। अब इसका फिर हमको डिजाइनिंग करना है तो इसमें हम चाहते हैं मल्टी कलर दे, यानी कि ये तो बॉर्डर वाला हो गया ना, और इसके अंदर में मल्टी कलर दे। तो मल्टी कलर के लिए आपको शेप फिल में जाना होगा, कहाँ जाना होगा, शेप फिल। अब शेप आपका ये क्या है, शेप क्या है, सेलेक्ट है और फॉर्मेट चार्ट तभी आएगा। तो यहाँ पे हमको शेप फिल में जब ये जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद मोर ग्रेडियंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे पिक्चर और पिक्चर भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को ले सकते हैं। तो चलिए ये वाला नहीं लेना है तो आपको पैटर्न ले लीजिए, पैटर्न सबसे अच्छा होता है। तो चलिए पैटर्न वाला ले लेते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें रेड करना चाहते हैं तो ब्लू करना है, जो कलर करना चाहते हैं वो कलर आप कर सकते हैं। तो चलिए पीला दे देते हैं। तो देखिएगा पीला में इस तरह से आ गया है, तो देखिएगा इस तरह से पीला बैकग्राउंड आ गया। अब चाहते हैं इसमें भी कुछ कलर आ जाए, तो नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है इस पे क्लिक करके अब दूसरा कलर इसमें डाल दीजिए। तो चलिए इसका ब्लू दे देते हैं, तो ब्लू में देखिए इस तरह से आ गया। तो आपको इस तरह से बैकग्राउंड लेना है या इस तरह से आप खुद इसमें क्रिएट करके इसमें टेक्स्ट में लिख सकते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसमें लिखेंगे कैसे, अब हेडिंग देना है, मेरा अब लिखने वाला चीज चले आया है। तो इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे देखिएगा शेप लिए है ना, तो शेप के जरिए तो हम बैकग्राउंड बना लिए हैं और इसमें हमको लिखना है। तो आप क्या कीजिए, वर्ड आर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में जाइए और इसमें जो डिजाइन आप चाहते हैं वो डिजाइन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए एक रेड, अब ब्लू है तो ब्लू पे हम अच्छा से रेड से लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लू से ही लिखेंगे तो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, उससे बचने के लिए हमको रेड लेना होता है। तो चलिए रेड ले लेते हैं और रेड से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ईयर है, इसमें लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इसको क्या कीजिए, फॉन्ट को भी बड़ा कर दीजिए। तो हेडिंग दीजिएगा, तो बड़ा करने के बाद हेडिंग दीजिएगा, इसको एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे दो हो गया, इसको मिटा दीजिए, सूर्योदय लिखें, कंप्यूटर लिख दीजिए, जैसे लिख दिए। अब यहाँ पे हेडिंग हो गया, हेडिंग देने के बाद आप चाहते हैं अब इसमें हमको मल्टी कलर आवे, ये तो हेडिंग दे दिए ना, अब चाहते हैं ये लिखा हुआ चीज में ही मल्टी कलर आना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अब क्या कीजिए, इसको इंसर्ट में होम में जाइए, होम में जाने के बाद हम इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आपको जो मोटा वाला फॉन्ट ले लीजिए, ये मोटा वाला फॉन्ट है तो ये ले लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, छोटा कर दिए। अब छोटा किए तो ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम मल्टी कलर देना चाहते हैं, किसमें, तो लिखे हुए टेक्स्ट में। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, मल्टी कलर देना है ना, तो किस में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कहाँ जाना है, फॉर्मेट में। टेक्स्ट सेलेक्ट रहे तो फॉर्मेट आएगा, ये आपको शेप सेलेक्ट रहे तो फॉर्मेट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम शेप फिल कर रहे थे ना, अब शेप फिल तो करना नहीं हमको, क्या करना है,
अब टेक्स्ट फिल करना है, तो इसके जस्ट आगे देखिएगा, ये शेप फिल है ना, इसके आगे होगा टेक्स्ट फिल, तो टेक्स्ट के फिल को करना है, तो यानी कि टेक्स्ट है, देखिए टेक्स्ट फिल है ना, तो टेक्स्ट में, और यहाँ भी आपको लिखा हुआ है ग्रेडियंट है कि नहीं, और इसमें जाना है, ऐसा नहीं है शेप में यदि जाएंगे शेप का फिल करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे तो टेक्स्ट फिल करेंगे, समझ गए? अब नहीं ऐसा नहीं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिएगा, सेव फिल कीजिएगा, कभी होगा नहीं होगा। अब टेक्स्ट फिल में गए, मोड में गए, और मोड में जाने के बाद जो बैकग्राउंड आपको लेना चाहते हैं इसके मल्टी कलर, वो आपको आ जाएगा। आया मल्टी कलर, यही ना आप लोग पूछ रहे थे सर इसको लिखेंगे कैसे, मल्टी कलर से हम लिखेंगे कैसे, मल्टी कलर आया। अब इतना मल्टी कलर ही नहीं, पिक्चर भी आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं, लेकिन सेव फिल में जाके सेव में डालेंगे तो पिक्चर आएगा इसके अंदर, इसमें डालेंगे तो इसके अंदर पिक्चर चले जाएगा, तो यहाँ पे वो पिक्चर सेलेक्ट करना होता है, तो पिक्चर जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तब आएगा। चलिए एक दूसरा लेके देखते हैं, इस तरह से पीला लेते हैं तो पीला आ जाएगा, ब्लू आएगा, ब्लू ले लीजिएगा तो ब्लू आ जाएगा, जो कलर आप लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसका डायरेक्शन कुछ चेंज होगा, देखिए आधा हो रहा है ना, इस तरह से हो रहा है चेंजिंग, तो आप चेंजिंग कर सकते हैं मल्टी कलर के जरिए, चेंज हो रहा है ना। अब आप लोग चाहिएगा पिक्चर हम लेंगे, तो चलिए पिक्चर लेने के लिए भी बताते हैं, ये तो दो चीज हो गया, इस तरह से हो गया ना। अब आप चाहते हैं इसके नीचे अब लिखे, तो अब लिखिएगा कैसे, छोटा मतलब एक चाहते हैं, अब तो कार्ड का ना लोगो दीजिएगा, उसमें चाहते हैं पार्ट वाइज, दो पार्ट में हमको लिखना है, दो बुक आपको एक पार्ट हिस्सा बना देते हैं दूसरा पार्ट, तो कैसे लिखेंगे? फिर हम आपको आपको जाना होगा कहाँ पे, इंसर्ट में वर्ड आर्ट लेना है, और जिस कलर से लिखना है उसको लेना है। तो चलिए इसको हम ले लिए हैं, छोटा टेक्स्ट ले लिए हैं, और इसको दो पार्ट में बांटना है, तो दो पार्ट में बांटने के लिए इसको सबसे पहले अब क्या कीजिए, एक थोड़ा काम होता है इसमें, कंट्रोल ए कर दीजिए, नॉर्मल भाषा में लिखना है, ये तो मोटा वाला लिखे हैं, तो इसको होम में जाना है, और इसको क्या करना है आप लोग को बताए थे, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल भाषा है, यानी कि छोटा ये डिजाइनिंग हट जाएगा, तो डिजाइनिंग को हटा देते हैं, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो इस तरह से आपको आ जाएगा। तो अब इसको हम दो पार्ट में ऐसे करके बांट सकते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना, तो इतना दूरी में लिखाएगा, और इसी को कंट्रोल डी कर लीजिएगा, तो कंट्रोल डी जैसे ही कीजिएगा दो पार्ट में आ जाएगा, इसको इस पार्ट में उठा के डाल दीजिएगा, तो दो पार्ट में हो गया ना। अब दो पार्ट में यहाँ पे है पता नहीं चल रहा है, तो है लेकिन इसको बड़ा कर देते हैं पता चलेगा, चलिए देखिए बड़ा है ना, अब इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं, तो कलर को व्हाइट कर दीजिए, देखिए व्हाइट हो गया, ब्लू ब्लू से लिखना है, रेड से लिखना है, जिससे लिखना है लिख सकते हैं। अब ये आप लिखने के लिए जो भी चीज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो लिखिए देखिए लिखा गया, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, लिखा रहा है ना, इसको छोटा कर दीजिए, कंट्रोल जे कर दीजिएगा जस्टिफाई हो जाएगा ना, तो इस तरह से आप लिख के इसको व्हाइट कर दीजिए कलर को, नहीं तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इसका। अब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के लिए और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, सेफ फील में जाना है, क्योंकि सेफ है ये भी टेक्स्ट का सेफ है, तो कुछ इसमें ऐसे करके देखिए इस तरह से हो गया ना, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं डिजाइनिंग इसको। अब इसको कंट्रोल डी कर लीजिए, दूसरा भी मैटर लिखना है, कंट्रोल डी कर दिए और यहाँ पे आपको सेफ कर देना है, उसको हटा देना है, इसको आप क्या कीजिएगा छोटा कर दीजिएगा। अब दो पार्ट में हो गया, इसको एडजस्टिंग करना तो एडजस्टिंग कर लीजिएगा कैसे करते हैं, इस तरह से आप लोग एडजस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए कार्ड, अब कोई चीज और लिखना है इसके नीचे में, एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर सब, तो क्या कीजिएगा, तो फिर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में क्यों जाते हैं, अब कहिएगा सर यहाँ पे तो हम कर्सर रख के भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इच्छा अनुसार वहाँ ले नहीं जा सकते।